अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आई एडिटिंग। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए गए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम कैसी एडिटिंग करने वाले हैं। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी बनाने वाले हैं वीडियो। अपने वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। यहाँ अपने एडिट पर क्लिक करके नेम टाइप कर लेना है। आज मैं लिखूँगी असद, यहाँ नेम टाइप कर लेना है हमने। ओके कर लेना है इसको आपने। फिर थोड़ा सा आपने स्क्रॉल करके साइज़ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है आपने। इसको इतना करने के बाद आपने ए बी फॉन्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से हम फॉन्ट ऐड कर लेंगे। यहाँ हमने फॉन्ट ऐड कर लेना है। मैं फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने नेम को एडजस्ट कर लेना है। आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नेम को ट्रांसपेरेंट कर लेना है। यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके आपने कार्ड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आपने सेव एज इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ आपने डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने अल्ट्रा पे क्लिक करके नेम को गैलरी में सेव कर लेना है। मैं PSCC में आ गई हूँ। यहाँ मैंने DP ऐड कर लिया। यहाँ से आपने प्लस पे क्लिक करके नेम ऐड कर लेना है। हमने ये वाला नेम ऐड कर लेना है। हमने अपने इसको एडजस्ट कर लेना है साइड कोने से पकड़ के अपने इसको। यहाँ आपने इसको ओके कर लेना है। यहाँ इतना करने के बाद आपने ये वाली सेटिंग कर लेनी है। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपने फिंगर की मदद से इसको सेलेक्ट करना है। अपने इसको यहाँ पर अपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने प्लस पे क्लिक करके लेयर फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। पेंसिल पे क्लिक करके यहाँ से आपने कट पे क्लिक कर लेना है। ओके कर लेना है। फिर आपने इसको पकड़ के नीचे कर लेना है। नीचे वाले हिस्से को आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने प्लस पे क्लिक करके लेयर फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आपने फिर पेंसिल पे क्लिक करके इसको कट कर लेना है। यहाँ से कट करने के बाद आपने DP के बाद क्लिक करके आपने इसको डीसेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने मार्क डन कर लेना है। इसको आपने ऑफ़ कर लेना है। फिर आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है और FX पे क्लिक कर लेना है। आपने बेवल पे क्लिक कर लेना है। इसका ब्लर 15 और डिस्टेंस आपने 10 कर लेना है। एंगल 180 कर लेना है। ओके कर लेना है। आपने फिर FX पे क्लिक कर लेना है। बेवल पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने इसका यहाँ जस्ट आपने एंगल चेंज करना है। एंगल 45 कर लेना है। डन कर लेना है। अगेन आपने FX पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आपने इसका एंगल 135 कर लेना है। आपने यहाँ से ब्लेंड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आपने इसको कर्व पे क्लिक कर लेना है। आपने इसकी सेटिंग सेम मेरे जैसी रखनी है। इसकी सेटिंग सेम आपने मेरे जैसी रखनी है। आपने इसको ओके कर लेना है। फिर आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। यहाँ से इसकी डुप्लीकेट लेयर लेके आपने इसका ब्लाइंड मोड चेंज कर लेना है। यहाँ से आपने इसका ब्लाइंड मोड ओवरली कर लेना है। आपने FX पे क्लिक कर लेना है। FX पे क्लिक करके आपने टिंट पे क्लिक कर लेना है। इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। मैं ये वाला रखूँगी। ओके कर लूँगी इसको। यहाँ पे अपने इन दोनों को मॉडर्न कर लेना है। इन दोनों को यहाँ से मॉडर्न कर लेना है। मॉडर्न करने के बाद आपने इसको ऑन कर लेना है। अपने इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से एक PNG ले लेंगे हम। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये वाला PNG ऐड कर लेते हैं हम। इसको ऐड करने के बाद एडजस्ट कर लेना है अपने नेम के ऊपर। यहाँ आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ओके कर लेना है आपने इसको। आपने ये वाली सेटिंग सेलेक्ट कर लेनी है। मैजिक स्टिक को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करके फिर आपने यहाँ पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने कट पे क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद आपने पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद आपने कॉपी पे क्लिक कर लेना है। फिर इसको यहाँ से पेस्ट कर लेना है। फिर आपने पेंसिल पे क्लिक करना है और पेस्ट पे क्लिक कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको बाकी के नेम पे पेस्ट कर लेना है। मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। सेम प्रोसेस है गाइस, ये देखें। फिर अगेन आपने वैसे ही करना है। इसको पेस्ट करते जाना है। बाकी के नेम पे हमने इनको आपस में मार्क डन कर लेना है। ओके कर लेना है। यहाँ से आपने इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और इसकी पेस्टी आपने इतनी कर लेनी है। यहाँ इसकी पेस्टी इतनी रख लेनी है। फिर आपने FX पे क्लिक कर लेना है। FX पे क्लिक करने के बाद आपने टिंट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ टिंट पे क्लिक करके हमने इसका कलर थोड़ा दे देना है। इसको इतना कलर कर लेना हमने। ओके कर लेना है इसको। यहाँ आपने पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है। इसको आपने फिर ये PNG वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ पेंसिल पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर लेना है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। डन कर देना है। यहाँ से हम इसको DP के बाहर क्लिक करके डी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। फिर अगेन आपने
पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। पेंसिल पे क्लिक करके सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है। अपने एक इसकी एम्प्टी लेयर ले लेनी है, यहाँ इसको डन कर लेना है। फिर आपने एंड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है। आपने यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करना है। इसकी विड्थ आपने 10 कर लेनी है। ओके कर लेना है, डन कर देना है। डीपी के बाहर क्लिक करके इसको आपने डी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है और फिर आपने बेवल पे क्लिक कर लेना है। आपने इसका ब्लर 4 और डिस्टेंस भी 4 कर लेना है। एंगल 180, कलर वाइट डन कर देना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करना है और फिर आपने बेवल पे क्लिक कर लेना है। इसका एंगल चेंज कर लेना है, जस्ट आपने इसका एंगल चेंज करना है। यहाँ से एंगल 45 कर लेना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके फिर आपने इसका एंगल चेंज करना है, एंगल 135 कर लेना है, डन कर देना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक करके बेवल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसका एंगल 90 करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने फिर यहाँ टू लाइन्स पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने कट पे क्लिक कर लेना है। कट पे इसकी जो सेटिंग है इसको वैसे रहने देना है, इसको ऐसे डन कर देना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक करके यहाँ से आपने फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ सनी आफ्टरनून पे क्लिक कर लेना है। इसको इसकी इंटेंसिटी आपने बढ़ा लेनी है, 100 कर लेनी है। फिर आपने इस वाली लेयर को पकड़ के ऊपर कर लेना है। यहाँ से आपने इसको ऊपर कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर यहाँ से आपने इनको मॉडर्न कर लेना है। यहाँ से आपने इनको मॉडर्न करके ओके कर लेना है। यहाँ फिर आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आपने बेसिक में आ जाना है। बेसिक में आके आपने ड्रॉप शैडो पे क्लिक कर लेना है। इसका ब्लर आपने 4 कर लेना है, डिस्टेंस आपने 1 कर लेना है। इतना करने के बाद आपने इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ इसका सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। इसको आपने फिर इसकी एम्प्टी लेयर ले लेनी है। एम्प्टी लेयर लेके डन कर लेना है। फिर आपने एंड पे क्लिक कर लेना है। एंड पे क्लिक करके आपने फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है। इसको आपने स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है। फिर इसकी आपने विड्थ 10 कर लेनी है, डन कर देना है। इसको यहाँ पे ओके कर लेना है। इसको डीपी के बाहर क्लिक करके डी सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक करके इसको आपने बेवल दे देना है। इसका ब्लर 3 और डिस्टेंस भी आपने 3 कर लेना है, एंगल 180 कर लेना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। एफएक्स पे क्लिक करके आपने यहाँ बेवल पे क्लिक कर लेना है। इस पर इसका एंगल चेंज कर लेना है आपने। यहाँ से आपने इसका एंगल 45 कर लेना है, डन कर देना है। फिर आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने इसको बेवल दे देना है। बेवल पे क्लिक करके आपने इसका एंगल 135 कर लेना है, डन कर देना है। अगेन आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने बेवल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से बेवल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसका एंगल 90 कर लेना है। फिर आपने टू लाइन्स पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने कट पे क्लिक कर लेना है। कट पे क्लिक करके इसकी जैसे सेटिंग है इसको वैसे रहने देना, ओके कर देना। यहाँ से आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने फोटो पे क्लिक कर लेना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद आपने सनी आफ्टरनून पे क्लिक कर लेना है। इसकी इंटेंसिटी 100 पे रख लेना है। यहाँ से फिर आपने एफएक्स पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ से आपने बेसिक पे क्लिक करके बेसिक वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से आपने ड्रॉप शैडो पे क्लिक कर लेना है। ब्लर 5 और डिस्टेंस आपने 3 कर लेना है, डन कर देना है। इसको यहाँ पर आपने इनको आपस में मॉडर्न कर लेना है। यहाँ से हम इनको आपस में मॉडर्न कर लेते हैं, ओके कर लेना है आपने। मोस्टली हमारा ग्लास फोन डन हो गया है। अब इसमें हम कुछ PNG ऐड करके इसको और ज़्यादा प्यारा बनाते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करके आपने फोटो लेयर पे दो बार क्लिक कर लेना है। मैं ये वाला PNG यहाँ पे ऐड कर लूँगी, इसको ओके कर लेना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ से मैं एक और PNG ले लेती हूँ। यहाँ आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। मैं इसको जल्दी से एडजस्ट कर लेती हूँ। यहाँ मैं एक PNG ऐड कर लूँगी, लाइट PNG ऐड करूँगी। ये वाला PNG ले लूँगी मैं, इसको आपने एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसका ब्लेंड मोड आपने स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है, स्क्रीन कर लेना है। फिर आपने एंड पे क्लिक करके इसको एडजस्ट कर लेना है, एडजस्ट करना है। यहाँ पे हम नेम के ऊपर सेट कर लेंगे इसको। मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, आप भी जल्दी जल्दी कर लीजिएगा जी। तो गाइज़ ये देखिए हमारा आज का ग्लास फोन डन हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के ग्रुप्स में मेरे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ से मैं आपको DP सेव करने का तरीका बताऊँगी। यहाँ आपने डन पे क्लिक कर लेना है, सेव पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ शेयर पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपने DP पे क्लिक कर लेना है। DP पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से DP आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।